हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल विक्रम कुमार। तो खैर, अभी व्लॉग का इन्फॉर्मेशन अभी नहीं देंगे, वहाँ जाके देते हैं, काहे के लिए यहाँ पे हमको जल्दी से यहाँ से निकल जाना है अभी। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड करना। अभी थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज का व्लॉग में। ये रहेगा कि एक दिन हम आपको वीडियो बनाए थे जिसमें हम एक माउंटेन या पहाड़ को चढ़ रहे थे उसी का, तो उसमें सिनेमेटिक शॉट्स था सिर्फ। तो आज की वीडियो में हम जो ये उस दिन इसका प्लानिंग था कि इसको चढ़ना था, लेकिन आज का वीडियो में बहुत डिफरेंस है। आगे को पहाड़ आपको अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा सामने से दिखा देंगे। बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है यहाँ से। हम लोग लगभग वहाँ से आए हैं उधर से, तो वहाँ से आने के बाद इतना दूर अभी हम लोग इसका चढ़ लिए हैं, उसके बाद वो साइड क्रॉस करने के बाद वो साइड जाना रहता है। तो आज के वीडियो में वही सब चीज़ों का सिनेमेटिक शॉट्स और हम वहाँ पर जाएंगे उसका व्लॉग देखने को मिलेगा। अब हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि आज मेनली हम इसलिए इस तरह इसको व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि इनसे वीडियो नहीं आया था, तो सोचा कि रिकॉर्ड कर लें और दूसरा व्लॉग बन जाएगा एक, और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी रहेगा क्योंकि एक माउंटेन है जहां पर हम लोग कभी नहीं गए आज तक, और नॉर्मल यहां के जो लोकेलिटी में जो रहते हैं वो सब भी बहुत कोई नहीं गए। कोई कोई रेयर में जो मतलब थोड़ा सा एंथुजियास्टिक फील करने के लिए जो गया होगा बस वही, मतलब वहाँ पे कुछ काम नहीं है इसीलिए वहाँ पे मतलब गया। तो इसीलिए आज का मेन मतलब मोटो था हम लोग का कि फ़ोटो क्लिक करवाना है, फ़ोटो शूट होगा, तो वही फ़ोटो क्लिक करते करते सोचे हम व्लॉग कर लेंगे। क्या के लिए मेरे पास डबल मेमोरी कार्ड अब हो चुका है, 64 GB का 3500 वाला एक्सट्रीम प्रो सैंडिस का और एक नॉर्मल जो कैमरा के साथ देता है कैनस्टोन वाला वो, तो उससे हम फोटो क्लिक कर लेंगे और इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यही आगे को आपको सिनेमेटिक शॉट्स और व्लॉग थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो खैर अभी चलते हैं आगे। तो अभी आपको हम दिखाते हैं, सौरभ है दिखाएंगे कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो वही देखिए कि वो जगह पे वो पहाड़ बहुत ऊंचा है, वो मतलब शायद कैमरा में जस्टिस ना हो पाए, हम इसीलिए हम बार बार बोलते रहते हैं। वो पहाड़ जो दिख रहा है आपको माउंटेन, उसी पर हम जाने वाले हैं। शेर का गुफा भी उधर है, था पहले, मतलब बहुत पहले था वो, अभी नहीं है, मतलब बस कुछ कुछ होगा शायद उसका पता नहीं, हम लोग गए नहीं अभी, तो जाने वाले हैं वहीं पे। लोग बहुत दूर आ गए क्योंकि ये जो पहाड़ था ऐसे नहीं दिख रहा, हम लोग नीचे हैं इसके पार्ट में इसीलिए, तो उसके वो साइड थे हम जस्ट उसके इधर आ चुके हैं हम लोग। अब इधर से जाएंगे, देखिए वहाँ पे सौरभ भैया है, यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर से नीचे नीचे होते हुए वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहाड़ ऊँचा है। आपको कैमरा में जस्टिस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी ऊँचा है जो कि उसको नहीं जस्टिस कर पा रहा है, वो उतना दिख रहा है आपको, मतलब देखने में खैर लिटिल बट बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो अभी यहाँ पे हम एक फ़ोटो क्लिक कराएँ इसके साथ जो कि काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि थंबनेल के लिए, और देखते हैं आगे कुछ और अच्छा रहा तो उसके लिए भी थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक कर। इधर बहुत भयानक लग रहा है हमको, पता नहीं कहा कैमरा में हम जस्टिस नहीं करवा पा रहे हैं इसे चारों तरफ, और कैमरा में बहुत ज़्यादा भयानक नहीं लग रहा। वहीं पर अभी जाना, अभी बहुत दूर है, अभी हम लोग को जाने में बहुत देरी लगेगा, पता नहीं कैसे जाएंगे अभी।
उधर बहुत ज़्यादा भयानक अजीब अजीब टाइप के मतलब पेड़ है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है हमको इधर। और थोड़ा मोड़ा मतलब सेफ्टी अगर प्रायोरिटी ले तब हमको कैमरे का सेफ्टी नहीं फील हो रहा इधर, इसी की वजह से थोड़ा सा हम ये सब भी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे मज़ा बहुत आ रहा है इधर हम लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं भैया आगे जाते जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जाना है हमको। कि अब थोड़ा सा देख सकते हैं इसके हम लोग अभी थोड़ा करीब आए हैं, और ये जो था इस पर हम लोग उस दिन आने के लिए सोच रहे थे। ये छोटा है बहुत, फिर भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है उधर से देखने में। और ये है जो कैमरा में जस्टिस हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा लगा है। ऊपर से आपको एक बार अगर जा पहुँच जाए वहाँ पे से आपको जो व्यू दिखाएंगे उसके बाद जो अट्रैक्शन होगा इस नेचर से, मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। इधर तो लगता बढ़िया रास्ता है। तो आप इधर से नहीं गए थे उस दिन? गए थे। इधर से गए थे? नहीं गए थे। किधर से गए थे? उधर से गए थे, बुला गए, चलो इधर ही से रास्ता। लेकिन ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इधर से जाने का रास्ता हम लोग को नज़र आ रहा है। अभी हम लोग वहाँ पे वो पहाड़ देख सकते हैं, जूम करके आपको एक बार और दिखा देते हैं हम वो साइड। तो उधर से ही आए हैं अभी, और अब इधर से जाएंगे। अब पता नहीं, देखें इधर से मिलेगा कि नहीं रास्ता। भूल भी दूसरा भूल गए होंगे शायद, तो दूसरा तरफ से जाना होगा। अच्छा भुला लेगा भाई, यहाँ भुलाएंगे कहा होगा, निकल जाएंगे ना फटाक से, किधर तो कहीं निकलेंगे। ले ले बैग में। हाँ की कोचिंग करेगा आराम से, लेकिन तू अपना अपना बस में कर रहा है। तो धीरे से चलिएगा आप तब ने। ओह भयानक है इधर। इधर से आए थे कि नहीं उस दिन? नहीं आए थे इधर से, कसम बता। अरे डर ही लग रहा है हमको। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इधर ही से रास्ता है। लेकिन कैमरा पकड़ी। कौन पकड़े रहिएगा उसको, बोल रहे चलेगा ऊपर। हाँ छोड़िए, इधर से आए बहुत दिक्कत लग रहा है। कैमरा में जस्टिस नहीं होता है सौरभ भैया, इस इतना सारा है इधर, इसको चढ़ना पड़ेगा ऐसे। पूरा एडवेंचरस ट्रिप हो गया हमें। हाँ तो आप पकड़िए ना। यहाँ पे थोड़ा देर मस्ती वगैरह किए, अब यहाँ से जाते हैं हम लोग ऊपर। और बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर से हम लोग। अभी भी रास्ता नहीं मिला देख सकते हैं, अभी भी रास्ता नहीं मिला हम लोग को। तो अभी हम लोग को वापस ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है, क्योंकि ये रास्ता नहीं था। अभी नीचे उधर से जाना होगा, नीचे उतरने में इधर बहुत दिक्कत होता है। हम भी अभी नया रास्ता है इधर से देख रहे हैं ट्राई करके। थोड़ा सा है इसमें कांटा कम लग रहा है इधर से, लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये भी थोड़ा सा डरावना। यही है पक्का? फिक्स। इधर से इसका जितना हाइट है ना उतना तो ऊपर बिना चढ़ ले है इतना का। थक गए तो पैर में दर्द हुआ सर? अभी बहुत ज्यादा यार। अभी हुआ नहीं?
चलो तो अब यहाँ से वापस आगे, अब थोड़ा बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ तक तो आ ही गए हैं, अब इससे आगे अब उधर जाना होगा, वहाँ पे जहाँ पे सौरभ भैया हैं। अब आ ही गया ऊपर। अरे तो अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब उतना ऊपर और बचा हुआ है, तो अब यहाँ पर छांव है तो यहीं पे कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद कुछ देर ऊपर जाएंगे कुछ देर बाद। तो अभी ऊपर आ चुके हैं और मेरा जैकेट वगैरह सब चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, पूरा शर्ट वगैरह सब चीज़ चारों तरफ कांटा वांटा टाइप का कुछ लग गया है, गंदा हो चुका है। तो खैर कुछ देर यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। तो अभी काफ़ी देर यहाँ पे रुक लिए, अभी हम अपना जैकेट ले लेते हैं और अब ऊपर चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे सौरभ भैया है ऊपर में। तो अभी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लग रहा है हमको, यहाँ हिला सौरभ भैया बहुत ज़्यादा ऊपर है, सौरभ भैया बहुत ज़्यादा ऊपर है, कैमरा में एकदम नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। मंदिर वा देखो कितना ऊपर है सौरभ भैया, अभी हम लोग पूरा गिद्धौर दिख रहा है यहाँ से लगभग। अभी हम लोग एक घंटा सॉरी आधा घंटा यहाँ पे आराम से मस्ती उस्ती किए होंगे, अब हम लोग सोच रहे हैं कि फ़ोटो वोटो क्लिक कर लें वहाँ पे सौरभ भैया, उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे जाएं और एक दो बार फिर से आपको हम व्यू दिखा देते हैं नीचे कैसा है, सो बड़ा भयानक है। इधर तक देख सकते हैं आप, चारों तरफ दिख रहा है, बड़ा भयानक है। तो खैर आपको यहाँ से हम काफ़ी अच्छा दिखा ही दिए कि मतलब कैसा है यहाँ का यहाँ से व्यू, तो हम यहीं पे वीडियो एंड करते हैं और हम नीचे जाने का मतलब व्लॉग नहीं बनाएंगे और वहीं से हम चले जाएंगे और यहाँ पे आपको सिनेमैटिक शॉट के साथ एंड कर देते हैं।